आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी पत्रेर पराने और हजरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भी चचा दे साहिबजादे हुजूर दे भी चचा दे बेटे अली अल मुर्तजा दे भी चचा दे बेटे ने हजरत अली दे एक भाई ने उन्हां दा नाम है अकील ए उन्हां दे साहिबजादा ने सहाबियत दे शर्फ तो ए महरूम रहे मगर जैयद सहाबा दी इन्हां नूं ज़ियारत नसीब हुई और इन्हां नूं जैयद ताबई होण दा शर्फ हासिल होया ताबीए रसूल ने 632 ईस्वी 22 हिजरी मदीना शरीफ के अंदर आप दी विलादत हुई। आप दी वालदा मजदा दा नाम एलिया या हिलिया आप दी वालदा बांदी सन हजरत अकील दी जनाबे अकील ने आप दी वालिदा नूं शाम दे बाजारां विचों खरीद के निकाह फरमाया। आप बड़े होए ते जनाबे अली अल मुर्तजा ने अपनी साहिबजादी रुकैया जड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बाप वालों सगी बहन और माँ वालों मुतरई बहन मगर अब्बास अलमदार गाजी अब्बास आप दी माँ वालों भी रुकैया सकी बहन है ते प्यो वालों भी सकी बहन है। जनाबे रुकैया दे नाल जनाबे अली ने अपनी बेटी दे नाल इन्हां दा निकाह फरमाया। इस तरह ए हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन गाजी अब्बास और दीगर इबनाने अली दे ए बहनोई ठहरे और इमाम हसन हुसैन गाजी अब्बास अलमदार और दीगर बरादरान ये सारे इन्हां दे साले बने। आपने बड़िया जंगा के अंदर हिस्से ले और फतहा मुकद्दर हुई भनसा इलाका अफ्रीका दा अपने बेटियां समेत तशरीफ लेके गए थे इस्लाम दा झंडा बुलंद करके वापस तशरीफ ले आए और जंगे सिफीन के अंदर हजरत अली अल मुर्तजा की तरफों आपने ये जंग लड़ी। 60 हिजरी के अंदर जदों जनाबे मुआविया का इंतकाल होया यजीद तख्त नशी होया कूफे दे लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं खतूत लिखे कि ए इमाम जल्दी तशरीफ लियाओ साढ़े कोल इमाम कोई नहीं ते असी यजीद नूं इमाम नहीं बनाना असा यजीद नूं अपना बादशाह नहीं मनना ए हुसैन असी तुहाडी हाकमीयत नूं मन्नांगे तुहाडी इमामत विलायत नूं मन्नांगे लिहाजा तुसी जल्दी तशरीफ लियाओ। तवारीख दी किताबां दे अंदर आउंदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं भी यजीद दी तरफों बैत करन दा खत मिलिया। आप उस वेले मदीने शरीफ सन आपने चाहिया कि किधरे मदीने दे अंदर खून ना बह जाए खून रेजी दंगा फसाद तो बचण वास्ते आपने मदीना शरीफ छोड़िया ते मक्के शरीफ जाके सकूनत इख्तियार कर ली। मक्के भी आपका घर मौजूद सी। इधर कूफियां दे खतूत मक्के आउण लग पे। सब तो पहला दो बंदे एक खत लेके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर कूफियां दी तरफों आए अब्दुल्ला बिन सबा हमदानी और अब्दुल्ला बिन वाल ये दो बंदे आए आके आखन लगे आका हुसैन कूफे दे लोग तुहाडा इंतजार करदे ने पे। ये पहला खत जदों इमाम हुसैन नूं मौसूल होया रमजान दी 10 तारीख सी 60 हिजरी 10 रमजान इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं गौर करांगा। फिर लोग खतूत लेके आए उन्होंने तीन बंदे भेजे
एक का नाम कैस बिन मिसहर सैदावी, दूसरे का नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अरहबी, तीसरा अम्मारा बिन अब्दुल्ला सलूली। ये तीन बंदे आए मगर एक नहीं दो नहीं कूफे वालियां दी तरफों 150 खतूत लेके आए और हजारों लोगों के उन्होंने खतों के उत्ते दस्तखत। इमाम अली मकाम ने खतूत पढ़े। फिर तीसरा मरहला आया। तीसरे मरहले के अंदर दो बंदे एक खत लेके आए और एक खत लिखने वाला शीस बिन रुबई, हिजार बिन अबजर, यजीद बिन हारिस बिन रुवैम, अजरा बिन कैस, अमर बिन हज्जाज अज़ुबैदी, मुहम्मद बिन उमेर बिन यहया अत्तमीमी। इन पांच बंदियां ने खत लिखा और दो बंदे भेजे, हानी बिन हानी अस्सबीगी, सईद बिन अब्दुल्ला अलहनफी। ये दो बंदे खत लेके आए पांच बंदियां दा। इस खत की इबारत वाल तुसी भी तवज्जो फरमाना। खत की इबारत ए वे, फकद अखदर अल जनाब व ऐनाति समार व तामातिल जमाम। आखन लगे आका हुसैन बागात सर सबज हो चुके और फल पक चुके, जाम छलक देने पे। फइजा शिता फकदिम अला जुंदिल लका मजनदिन वस्सलामु अलैक। हुसैन फल पल चुके पक चुके ने, बागात सबज ने और जाम छलक देने पे। हुण तुसी इंज करो, जल्दी करो, बहुत ज्यादा जल्दी करो, इतनी जल्दी करो जितना जल्दी मुमकिन हो सके, साढ़े दरम्यान तशरीफ लियाओ। साढ़े लश्करां दे लश्कर तुहाडी मदद वास्ते तैयार ने। असी जानो दिलों तुहाडी इज्जत का भी दिफा करांगे, तुहाडी जान माल और औलाद का भी दिफा करांगे। चुनाचे ये तकरीबन 152 खतूत या 53 खतूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह विच पहुंचे। आपने मक्का शरीफ के अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और दीगर सहाबा किराम जमा फरमाया और अपने मुखलसीन मुहिबीन और अकीदतमंदान जमा फरमाया और उन्होंने सलाह की थी कि मैनू कूफे वालियां दे इसरार हो रहे हैं और इतों तक भी खतम विच लिखे आसी कि ए इमाम अगर तुसी साढ़े दरम्यान तशरीफ ना ले आए तो असी गुमराह हो गए, फिर क्यामत वाले दिन असी बरी जिम्मा हो गए तो तुसी जवाब दे ठहरोगे। इमाम अली मकाम ने सारी नौइयत सिचुएशन दस दी थी। चुनाचे फैसला यह किया गया कि आका कूफी ला यूफी ने वफा इन्हों के पल्ले कोई नहीं, इन्होंने तुहाडे भाई हसन नु जहर दिलवाया, इन्होंने ही तुहाडे बाबा अली अल मुर्तजा नु शहीद करवाया। ए आका तुसी साडे दरम्यान मौजूद हो ते साडे सांस चलते ने पे। आका हुसैन किसी भी कीमत कूफिया के भुलेखे विच ना आना, इन्हों के धोखे विच ना आना, इन्हों के करीब मत जाना। इमामे अली मकाम ने खतूत सामने रखे कि ए खतूत पढ़ो ते फिर फैसला करो। चुनाचे सहाबा किराम ताबईने किराम जितने भी मीटिंग दे विच बैठे सन फैसला कीता कि आका तुसी इस तरह करो कि खुद ना जाओ, अपना कोई सफीर अपना तर्जुमान भेजो अपनी जगह दूते, वो जाके हालातों वाकयात अपनियां अखां नाल वेखे ते वो आगाह करे, फिर उस दे दिते हुए आगाहशुदा मामले के मुताबिक तुसी इत्थों रखते सफर बांधना। अगर मुनासिब हालात होए तो चले जाना, मुनासिब ना होए तो आप तशरीफ ना ले जाना, ठीक है जी। चुनाचे कूड़ा डालिया गया चंद बंदियां दा, उन्हां दे विचों जिहदा नाम आया उहदा नाम मुस्लिम बिन अकील है, जिन्हां दा असीं तज़करा करन लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील की परची निकली, आप दा कूड़ा निकलिया। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया कि तू इंज कर अकेला ना जा। कैस बिन मिसहर सैदावी जिहड़ा खत लेके आया सी, अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अरहबी, ये दो बंदे हजरत मुस्लिम बिन अकील दे नाल टुर पे। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने दुआवां दे के रुखसत किया। आपने वसीयत फरमाई कि तुसी गुमनाम रस्तियां दे विचों गुम शुदा रस्तियां दे विच सफर करके जाना है ताकि यजीद दी सिपाह नूं तुहाडी खबर ना हो सके। चुनाचे जेड़े मशहूर रस्ते सन उन्हां दी बजाए हजरत मुस्लिम बिन अकील
मतरूक शुदा रस्तियां नूं अपना के आप मदीने शरीफ पहुंचे। हुण मदीने शरीफ तों कूफे दा रस्ता आप नूं नहीं सी पता, आपने वो जिहड़े नाल सन कैस बिन मिसर कूफे विचों आए सन और आप दे नाल दूसरा बंदा अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला अरहबी, उन्हें भी आख्या जी असीं ते सीधे सवारे रस्ते नूं जाणने जिहड़ा मारूफ है मशहूर है, मगर असीं दुश्वार तरीन घाटियां वाले रस्तियां नूं और मतरूक शुदा रस्तियां नूं असीं नहीं जाणदे। चुनाचे आपने मदीने शरीफ दे विचों दो रहनुमा लै, उन्हां नूं बतौरे उजरत आपने उजरत तय की, असीं भी तैनूं इन्ने दराहम दिनार देवांगे, तुसीं दो बंदे सानूं कूफा बा हिफाजत पहुँचाओ। उन्हां रस्तियां दे विचों जिहड़े रस्ते आम लोग नहीं जाणदे वो जाणदे सन। चुनाचे सफर शुरू हो गया मदीने तों कूफा दा, दौराने सफर वादिये हुबैत पहुंचे, इन्हां कोल पानी मुक चुकिया सी, खत्म हो चुकिया सी जिहड़े मशकीज़ है सन। वादिये हुबैत गर्म तरीन वादी है, उत्थे जाके आप दे नाल पहला रहनुमा जिहड़ा मदीने विचों पकड़िया सी शिद्दत प्यास दी वजह तों इंतकाल कर गया। इस वादिये हुबैत दा एक पिंड उहदा नाम है मुदीक, उत्थे बमुश्किल ए बाकी अफराद पहुंचे, मगर जेड़ा रहनुमा मदीने शरीफ तो दूसरा ए लेके आए सन ओ भी मुदीक मुदीक मकाम ते जाके शिद्दत ए प्यास दी वजह तो हलाक हो गया। चुनाचे इमाम मुस्लिम बिन अकील ने उत्थों एक बंदा टोरिया मक्के शरीफ इमाम हुसैन वल के आका हुसैन हालात अच्छे नहीं लगते पे, ते मैं महसूस कर रहा कि साढ़े इब्तदाई मरहले के अंदर दो बंदे कत्ल हो चुके, आका अगर इजाजत दो तो मैं वापस मक्का शरीफ आ जावा, मैनू हालात अच्छे नहीं लगते। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, फकाता बा इलैहि याज़िमु अलैहि अन यदखुल अलअराक, आपने फरमाया कुछ भी हो जाए हर सूरत जान जाती है जाए, मगर अराक वाले कूफे वाले क्यामत वाले दिन साडे उत्ते इल्जाम ठहराणगे कि इमाम साडे कोल आया नहीं सी, जो भी हो जाए तो पहुंचना जरूर है। मुस्लिम बिन अकील ने फिर सफर शुरू कर दिता। चुनाचे सफर करदिया करदिया कई दिन की मुसाफिर तो बाद हजरत इमाम अली मकाम का भेजा आया बंदा हजरत जनाबे मुस्लिम बिन अकील बिल आखिर कूफे पहुंच गए। जदों कूफे पहुंचे तो फिर कूफे वाले ने बड़ा सोहना उन्हों का इस्तकबाल किया। दायम इकबाल दायम एक शायर होया ओ आंदे ने कूफे वाले परदे परे बने, कूचे गली सब बाग बगार हो गए, लख शुक्र आ गया तबीब गाजिक गफलत बेच सा असी बीमार हो गए। इमाम मुस्लिम तो किवें इस्तकबाल पे करते ने चुक चुक के मुस्लिम दे कदम चुम, इमाम मुस्लिम तो निसार हो गए, तुसी मिले ते सानो हुसैन मिलिया, असी मुद्दतां दे बे करार हो गए। इधर इमामे मुस्लिम बिन अकील ने सारियां दे सामने इमामे हुसैन दा खत विखाया, आपने फरमाया इमामे हुसैन ने मैनू अपना सफीर अपना तर्जुमान बना के भेजिए, जेड़ा मेरे हाथ ते बैत करेगा समझी आमीना दे बेटे दे बेटे इमामे हुसैन दे हत्थां ते बैत पिया कर दे, जिन्ने मेरे हत्थां ते बैत की समझे फातिमा दे लाल दे हत्थे बैत की है, जिन्ने मैनू मनिया वो समझे मैं अली दे लाल नू मनिया, आओ मेरे हाथ ते बैत करो। चुनाचे चंद दिनों के अंदर 12,000 बंदे ने बैत की थी।
चंद दिनों के अंदर तीन चार दिनों के अंदर 12,000 बंदे ने बैत की। फिर ये बैत चलती चलती 18,000 बंद तक पहुंच गई। जदों 18,000 बंद ने बैत कर ली, इमामे अली मकाम दे सबीर इमामे मुस्लिम ने इमामे हुसैन नु खत लिखिया, अर्ज की आका कूफे वालिया दे दिल भी थोड़े नाल ने, इन्हां दे तीर ते तलवारां भी थोड़े नाल ने, इन्हां दियां जानां थोड़ियां दिफा करनगियां। नाले कूफे दे लोगां ने आप दे हाथ ते बैत ए कीती सी, हलफ लहू लयंसरन्नहू बिअन्फुसिहिम वाबी अमवालिहिम वाबी औलादिहिम वाबी अशीरतिहिम। कूफियां ने आप दे हाथ ते कसमा चुकियां सन कि जदों हुसैन आ जाणगे असी इमामे मुस्लिम तुहाडे हाथ ते वादा करने आ, अल्लाह दी कसम उठा के आने आ, असी अपनियां जानां नाल तुहाडा दिफा करांगे, असी अपने माल नाल दिफा करांगे, साडे कुनबे ते कबीले हुसैन तो अपनी नस्लां खत्म करवा देंगे, असी अपनियां नस्लां कुर्बान कर देवांगे। तुसी आका हुसैन नूं लिखो कि हुसैन जल्दी आ जाओ। चुनाचे आका मुस्लिम ने इमामे हुसैन ले इस्लाम नूं खत रवाना कर दिता, आका हुसैन जल्दी आ जाओ, कूफे वाले तुहाडे नाल मुहब्बत रखदे ने, कूफे वाले तुहाडे नाल मुहब्बत रखदे ने। इधर जदों इमामे अली मकाम नूं खत भेजिया गया, इधर इमामे अली मकाम दा खत वेखे आका हुसैन ने अपने खानदान नूं कंफर्मा दिता, तैयारियां करो असी चंद दिनां तों बाद मक्के तों कूफा रवाना होवांगे। इधर तैयारियां मक्के शुरू हो गईयां, इधर कूफे की हालात ने 18,000 बंदे ने बैत की थी, 18,000 बंदा बैत कर चुकिया। एक बंदा गवर्नर ए कूफा नौमान बिन बशीर को लाया, नौमान बिन बशीर नु आके आखन लगा, तू यजीद दा गवर्नर है, तेरे उंदियां कूफे दे अंदर बैतां आउंदियां ने पईयां, 18,000 बंदा बैत कर चुकी है, तू कादा गवर्नर है। चुनाचे नौमान बिन बशीर सहाबी है रसूल है, मेरे नबी दी आल दा मुहिब है, आप मिंबर ते खड़े हो गए। गवर्नर ए कूफा ने मिंबर ते खड़े हो गए, आपने फरमाया जेड़ा बंदा मेनू तंग करेगा मैं उन्हों जरूर तंग करांगा, जेड़ा बंदा मेरे कतल ते अमद है मैं उन्हों अपने हाथ नाल कतल करांगा, जेड़ा बंदा अमनो सकून दे नाल बैत करेगा मैं भी उहदे नाल अच्छे तरीके नाल पेश आवांगा, जेड़ा भी याद रखो मैं रहम दिला नाल रहम दिली करांगा, मैं गासिबा नाल गसब दे तरीके नाल पेश आवांगा, जेड़े बुरा पेश आवणगे मैं उन्हां नाल बुरा पेश आवांगा, जेड़ा मुस्लिम दी इज्जत करेगा मैं नौमान बिन बशीरों की इज्जत करांगा। ते ए भी याद रखो कोई बंदा यजीद नूं इत्तला ना देवे, जिन्ने यजीद नूं इत्तला कीती ओनूं भी मैं ठिकाने लगावांगा। बंदा बोलिया ते आखण लगा तू गवर्नर यजीद है, इज्जतां तू आले मुस्तफा दियां बयान पिया करने, मुहब्बतां तेरियां अहले बैत दे नाल ने। हजरत नौमान बिन बशीर आखन लगे वलाकिन्ना वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु ला इन फारक्तुम अमामकुम, जे तुसा अपने इमाम हुसैन दी बैत तोड़ी व नक्सतुम बैतहु ला उकातिलन्नकुम मादाम फी यदी मिन सैफी कायमत, आपने फरमाया मेरे हाथ दे अंदर जिन्ना चिर तलवार दस्ता मौजूद रहेगा मैं हुसैन दे दिफा दे अंदर किताल करदा रहांगा, मैं हुसैन दी इज्जत दी खातर लड़दा रहांगा। एक बंदा उठया ते आखण लगा यजीद दा गवर्नर आके पुस्तली भी खाने पिया। हजरत जनाबे नौमान बिन बशीर दे जुमले सुनो, नौमान बिन बशीर दे इन्ने जुमलियां नो खाने काबे दे खिलाफ दे उते सुनहरी हरूफ दे नाल लिखना चाहिए ताकि लोगों नूं पता लगे नबी दे सियापा हुसैन नाल किवें मुहब्बत करके गए ने। हजरत नौमान बिन बशीर दे जुमले सुना, आपने फरमाया बेगैरत बकवास बंद कर ले अन अकून
المستضعفين في طاعة الله آپنے فرمایا احب الى من ان اكون من الاعزين في معصية الله مفہوم سنا لگا تڑپ کے رہ جاؤگے آلِ بیت نال پیار کرنے والے ہو دور و نزدیک تو تشریف لانے والے ہو امام حسین دے پارے حضرت نعمان بن بشیر دے جملے سنا نعمان بن بشیر نے فرمایا میں عزت نال مر جانا مینوں قبولے پر آلِ مصطفیٰ دی توہین میں نہیں کر سکتا جڑے آلِ نبی دے نال کرتے وفا لوگو جڑے آلِ نبی دے نال کرتے وفا جڑے آلِ نبی دے نال کرتے وفا جنت وچ جاونگے او نال محبت دے جنت وچ جاونگے او نال محمد دے نعمان بن بشیر مخالفین اہل بیت نو آندے نے پے او جنت وچ جاونگے او نال جڑے آلِ نبی دے نال کردے وفا لگا جنت وچ جاونگے او نال حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا بے شک میں یزید دا گورنر ہاں پر میرا دل اہلِ بیت دے نال ہے اگر گورنری جاندی ہے تے جائے اے دنیا دا عہدہ جاندا ہے تے جائے مینوں گورنری چھوڑنا منظور ہے لیکن میں مسلم دی مخالفت نہیں کر سکدا کیونکہ اینو حسین نے بھیجی ہے نعمان بن بشیر نے جدو اے خطبہ دیتا لوکانو وصیت کی تھی امن و شانتی دے نال رہو اہل بیتی محبت دی اندر اقرار کرنے والے ہو خوب بیت کرو امام مسلم دے ساتھ دے وہ میری گورنری دی میں نو پرواہ نہیں چنانچہ امارہ بن عقبہ اور عمر بن سعد نے سوچیا کہ ساڑیاں محبتاں یزید دے نال نے کیوں نہ ہوئے ایسی یزید رو اطلاع کریے اینا دو بندیاں نے امارہ بن عقبہ سعد بن عمر عمر بن سعد بن ابی وقاص اینا دو بندیاں نے یزید نو اطلاع کی تھی کہ نعمان بن بشیر دے ہندیاں مسلم دے ہاتھ دے بیت ہندیے پئی حسین کوفے والا رہنے جلدی مواخذہ کر چنانچہ یزید کھڑا ہو گیا اکھاں وچ خون تر آیا کن گرم ہو گئے لال ہو گئے سوچی پہ گیا کی کراں اگر حسین کوفے آگئے 18,000 بندے نے بیعت بھی کر لئی ہے جدو حسین آگئے لکھاں لوگ مرید ہو جانگے لکھاں لوگ بیعت کرنگے میری امارت ختم ہو جائے گی
मेरी बादशाहत मुक जाएगी। यजीद सोचदा मगर अकल काम नहीं पी कर दी, की करा ते की ना करा। यजीद का एक गुलाम सी, उसका नाम है सरजून। उस आखे बादशाह क्यों परेशान है? उन्हें सारी सिचुएशन दसी कि हुसैन मदीने आ रहे हैं, उन्होंने सफीर के हाथ से 18,000 बंदे बैत कर लिए। तू दस जे हुसैन आप आ गए तो फिर की बनेगा? सरजून भी परेशान हो गया। सरजून आख्या मेरे जेहन च एक तरकीब है, ओदे ते अमल कर। की सरजून आखन लगा तू इंज कर, बसरे दे हाकिम उबैदुल्ला इबने ज़ियाद नू कूफे दा हाकिम बना दे, वह भी ओदे कोल रहण दे ते ए भी ओनू दे दे गवर्नरी। हालांकि किताबां चाहुंदा है कि यजीद इबने ज़ियाद नाल मुखासमत रखदा सी, बुग्ज रखदा सी, और यजीद दा ए इरादा सी का ना युरीद अय्याज़ला हु अनिल बसरा, वो चाहता सी कि मैं इनू बसरा तू जल्द अज जल्द माजूल करा, वो उनू बसरे तू ही छुट्टी करवाना चाहता सी। मगर जब उन्हें कूफे की यह हालत वेखी, फवल्लाहु अल बसरत वल कूफा, वो फिर मजबूर हो गया, आखन लगा वाकई इबने ज़ियाद जालिम भी है जाबिर भी है, किसी ते रहम नहीं करता। ठीक है, इबने ज़ियाद नू परवाना भेजो कि तू अज तो बाद बसरे का भी गवर्नर है और तू अज तो बाद कूफे का भी गवर्नर है। नाल ही मजूल नामा लिख दिता कि नौमान बिन बशीर आज तो बाद मजूल, तू कूफे का गवर्नर। चुनाचे मुस्लिम बिन अमर बाहेली नामी एक गुलाम यजीद दा उन्हों भेजा गया। यजीद ने भेजा इबन ज़ियाद की तरफ खत। इबन ज़ियाद ने अपने भाई नू कायम मकाम गवर्नर ठहराया, और वो लोग जेड़े कूफे दे सन ते बसरे विच जिन्हां दे अच्छे कारोबार सन, या फिर जेड़े बसरे दे सन मगर कूफे विच उन्हां दे अच्छे मरासम सन, ऐसे लोगों नू उन्हें जमा किया और जमा करके उन्हें कूफे दा सफर इख्तियार किया। एक दिन दी मुसाफत अजे बाकी सी। इन लोगों के दरमियान एक ऐसा भी बंदा जी का नाम है शरीक बिन आवर, बीमार सी। इबने ज़ियाद ने उन भी बसरे विचों नाल लिया भी तेरा उत्थे अच्छा असर रसूख है और तेरा घर है, चल मेरे नाल। कूफे दी अजे एक दिन की मुसाफत बाकी सी। इन्हें रात के अंधेरे के अंदर एक जगह ते क्याम पड़ाव करवाया और खास खास अपने मुहाफिज चुने, बाकियां नू सारे लश्कर नू आख्या कि तुसी दो तीन दिन ठहर के कूफे आना, आराम करो, इत्थे सस्ता लवो, साडा शरीक बिन आवर बाबा बीमार है, ये थोड़ा जिहा बेहतर हो जाएगा। थोड़ी दूर जाके रात की तारीकी के अंदर इन्हें लिबास वो पहने जेड़े लिबास दे विच हज़रत इमाम हुसैन रहिंदे सन। इमामा शरीफ काला बांधिया और उस रस्ते तो कूफे की तरफ मुड़िया जिस रस्ते तो मक्का शरीफ के मदीना शरीफ के लोग दाखिल होते सन। चाहिदा ऐसी कि बसरे के रस्ते दाखिल होता, मगर जान बुझ के उस रस्ते की तरफ दाखिल होया। जदों दाखिल होया तो इन्हें अपने इमामे का शिमला इंज करके अपने मुंह रखिया। लोगों ने समझिया कि इबने अली इमामे हुसैन आ गए ने, धोखा दिता इन्हें लोगों ने। अरबी जुबा पहन के अरबी इमामा पहन के कूफा शहर दे दाखिल होया और हर एक नू पुकार के कहंदा है अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। मगर हुण कूफे वाले दे जिहड़े जज्बात ने वो सुनना, एक बार बोलो सुभान अल्लाह। इबने ज़ियाद सारे कूफियां नू आंदा अस्सलामु अलैकुम, अगो हर बंदे दा इयो जवाब मिलदा वालैकुम।
السلام يا ابن رسول الله جواب آتا ہے اللہ دے رسول تواڈے تے بھی سلامتی آوے یزنون انہ حسین ہر ایک دا زن ایوے کہ حسین ساڈے کول آ گئے نے سارے امام حسین دے انتظار وچ بیٹھے سن اے دے نال ٹوٹل 17 بندے لیکن جدو بسرے وچوں نکلیا سینکڑوں لوگ موجود نے ساریاں نو چھوڑ کے جڑے 17 بندے نال لے کے آیا انہاں نوں وی عربی جوبے پوائے آپ بھی عربی جبا پہنے آ تے لوکاں نوں محسوس پیا کرواندا ہے حسین آ گئے نے لوکاں دے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ابن رسول کہہ کے لوگ مرحبا آندے نے پے جی آیاں نوں صد بسم اللہ آندے نے پے ادھر جناب والا ایک چوک وچ آ کے کھڑایا گیا جدوں چوک وچ آیا لوکاں نے اپنے کام چھوڑ دیتے لوکاں نے ویکھیا حسین آ گئے نے لوگ آ کے ایدے قدم چومن لگ گئے کوئی ایدے پیر پیا چومدا ہے کوئی گھوڑے دیاں رکابیاں پیا چومدا ہے خیر مقدمی پہ کر دے نے لوکاں دا جدو ہجوم بن گیا عمر بن بحلی آکھن لگا تاخر حاضا امیر عبید اللہ ابن زیاد بکواس کرن لگا او تسی جنوں حسین پہ سمجھ دیا اے حسین نہیں بلکہ ابن زیاد عبید اللہ اے تھے ماما دے بچے قتل کرن والا لوکاں دے پتر قتل کرن والا ماما دیاں گوتاں خالی کرن والا ہے خبردار کوئی بندہ حسین دا نام لوے سارے کوفیاں دے روب تاری آ گیا او کوفی جڑا خیر مقدم حسین سمجھ کے پہ کر دے سن سارے پریشان ہو گئے کہ ساڈے اُتے مصیبت آ گئی ساڈے اُتے بیماری نازل ہو گئی ادھر جناب والا چوک وچوں نکلیا کسرے دار الامارا پہنچیا محل دے اندر پہنچیا جدوں محل دے قریب پہنچیا اونے محل دے قریب جا کے دروازہ کھٹکھٹوایا محل دے اندر صحابی رسول گورنر کوفہ نعمان بن بشیر موجود سن آپ چھت تے چڑھ کے فرماؤ دے نے حسین واپس چلے جاؤ میں تواڈا مسلم بھائی حفاظت مدینے پہنچا دیواں گا آقا حسین کوفیاں دی طرف خطوط یزید ول پہنچ چکے نے میں مشورہ دیواں گا میں تھانوں پانی وی نہیں پلا سکدا میں خیر مقدمی نہیں کر سکدا آقا جنہ جلدی آ سکے واپس تسی مکے چلے جاؤ یا واپس مدینے چلے جاؤ ادھر ابن زیاد نے آکھیا دروازہ کھولے گا کہ میں آپ کھولا ادھر نعمان پھر سمجھیا کہ حسین ہی بولے نے نعمان بن بشیر نے دروازہ کھولیا جدو نعمان نے دروازہ کھولیا گورنر کوفہ نے دروازہ کھولیا ابن زیاد نے اپنا منہ ٹھانپیا سی اپنے منہ تو پلو پیچھے کر کے آکھن لگا نعمان بن بشیر کی ماجرا تو گورنر یزید دائیں محبت حسین نال کرنے ایدی وجہ کی ہے نعمان ایک پاسا رکھ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا میں گورنر یزید دا ہاں بے شک اے پرویچنا تیر ایمان نہیں کرا پے ادبی اللہ والے آدی میرا شیوا تے میری جان اہل بیت دی بیعت تے کراں جھگڑا میں ایمان ہاں کوئی حیوان نہیں جیڑا نیکاں نو کرے رسوا شیطان نہیں آپ نے
ने फरमाया मुस्लिम बिन अकील ने एक बंदा हुसैन नबी पाक दे बेटे दे शहजादे मैं उन्हां दी बैत नूं किवें रोक सकना मैं उन्हां दी बैत कदी नहीं रोक सकदा। इधर जनाबे वाला इब्ने ज़ियाद ने खत कढ़िया नौमान बिन बशीर नूं वखाया के तू आज तो बाद गवर्नर नहीं मैं गवर्नर। आपने फरमाया गवर्नर गवर्नरी मैं मारी जुती तो कम अज कम क्यामत वाले दिन मैं नबी पाक नो मुंह ते वखा सकांगा के मैं आले मुस्तफा दा मुहब्बत दा दाम अपने दामन विच लेके आया वा आले मुस्तफा दी मुहब्बत अपने सीने विच लेके आया नबी पाक दे सामने सुरखरू हो सकांगा। इब्ने ज़ियाद ने आख्या तू निकल जा अपने घर चला जा। नौमान बिन बशीर अपने घर आ गए गवर्नर हाउस तू निकल गए। इधर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान करवाया अस्सलातुल जामिया लोको नमाज पढ़न मस्जिद विच आ जाओ ईशा दी नमाज दा वेला। लोकां ने नमाज मस्जिद विच पढ़ी इब्ने ज़ियाद दे पीछे पढ़ी वो मस्जिद जड़ी गवर्नर हाउस दे विच उत्थे मगर जामिया मस्जिद जड़ी मरकजी सी शहर दी ओदे विच नमाज मुस्लिम बिन अकील ही पढ़ांदे सन। जदों उन्हें नमाज ईशा पढ़ाई लोकां नूं आखण लगा मैं यजीद दा भेजिया आया बंदा ऐ वेख लो यजीद दीआं मोहरां मौजूद ने ते मैं यजीद दी तरफों ओदा नुमाइंदा बन के आया ते अज तो बाद तुहाडा गवर्नर मैं आ तुहाडे दरम्यान कोई जुल्म करे इंसाफ मैं करांगा कोई ज्यादती करे इंसाफ मैं करांगा भुखियां नूं खाना मैं देवांगा प्यासियां नूं पानी मैं देवांगा। इस तरह दीआं गल्लां कीतीआं ते नाल ही उन्हां नूं धमकाया आखण लगा कि जिन्हां ने बैतां कीतीआं ने मुस्लिम दे हथ दे उत्ते उह बैतां वापस लवो अगर बैत ना वापस लई ते फिर सुन लवो मैं बच्चे कतल करवा देवांगा खून रेजी होवेगी पूरे कूफे दे अंदर। बिलखसूस उन्हें अमीर जड़े लोग सड़ना जिन्होंने नंबरदार कहते महलिया के काउंसलर कहते उन्होंने खिताब किया आखन लगा कि यक तो वू मिन इंदहिम मिन अल हुरूरिया अहले रैब वल खिलाफ व शिकाक मैनू लिस्ट तैयार करके हर बंदा अपने मोहल्ले दी देवे कि केड़ा बंदा यजीद दी मुखालफत विच है केड़ा बंदा यजीद नूं अच्छा नहीं समझदा और केड़े केड़े बंदे ने बैत कीती जिहड़ा बैत तोड़ देवे सो ठीक जिहड़ा बैत उत्ते कायम रहे मजबूत रहे उहदा नाम मैनू लिस्ट विच लिख के दिता जाए ते जिहड़ा लिख के मैनू नहीं देवेगा सुलीबा मैं उहनूं सलीब चढ़ा देंगा नूफिया मैं उसकी नफी करवा देंगा कत्ल करवा देंगा नंबरदारियां खत्म कर देवगा और गले दे विचों उन्होंने जो खिराज दिता जाता है हदिया दिते जाते हैं खत्म किए जाने। चुनाचे ये जड़े अमीर लोग सन जड़े इलाकाई महल्ले दे उमरा उरफा सन ये सारे मरऊब हो गए और उन वादा करके आए कि जिमें तू आख्या असी उंजी करा। इतना रोब उदा तारी होया दूसरे नंबर ते उन्हें रात नहीं एक तमीमी गुलाम सी उदा नाम है माकल उन्हें 3000 दराहिम थमाए आख्या कि जिमें भी होवे तू मुस्लिम बिन अकील नु तलाश कर वो केड़े घर बैठे ना की कर रहे ने उन्होंने सरगर्मियां इस वेले की ने सारा कुछ मैं बयान करने और ये 3000 ले जा दिरहम मुस्लिम बिन अकील नु पेश करना ताकि वो तेरे ते एतमाद कर सके कि तू उन्हों का मुहिब है। चुनाचे इस माकल गुलाम ने बसरे दे लोगों का लिबास पहने बसरी बन के जामे मस्जिद कूफा पहुंच गया फजर की नमाज पढ़ी मगर उत्थे मुस्लिम बिन अकील कोई नहीं सन जोहर दी पढ़ी असर दी पढ़ी उन्हें वेख्या कि तिना नमाजा तो बाद सब लोग चले जाते एक बाबा है
जड़ा बाद विच बैठ के अल्लाह अल्लाह कर दे, ए यकीनन एनी अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई होर नहीं हो सकता, मुहिब्बे अहले बैत ही हो सकता है। आके आखन लगा बाबा तुहाडा नाम की है, उन्हें तू की आखना, आखे मैं मुहिब्बे अहले बैत हाँ, हुसैन दा खादिमा नौकर हाँ, बसरे दे लोगों ने मैनू 3000 दिरहमा दी थैली दे के भेजे है कि उत्थे मुस्लिम बिन अकील बैत करते ने पे, उन्हां दी मदद कर ताकि वह जाके तेरे पैसे नाल असलिया खरीद सकन। मैं मुस्लिम बिन अकील दे हाथ से बैत भी करनी है ते 3000 रुपया बसरियां दी तरफों देन आया ते बसरे दे लोगों का पैगाम देन आया कि जिन्नी जल्दी हो सके साढ़े वाल भी को बंदा भेजो। हानी बिन उरवा इस बाबे का नाम है और यह भी सहाबी रसूल है। हानी बिन उरवा उहदे चकमे अंदर आ गए, उहदे धोखे दे अंदर आ गए। आपने सोचा भी 3000 दिरहम छोटी रकम नहीं, आए दे लखां करोड़ां रुपए बनते हैं। क्यों ना आवे कि मैं ये मुहिब्बे अहले बैत भी है ते बसरी गुलाम भी है, बाकी ये मुसाफिर लगता है थका है। अपने घर लैके गए, उन्हें खाना खिलाया, नहलाया धुलाया, अपनी दूसरी हवेली विच लैके गए जिथे मुस्लिम बिन अकील तशरीफ फरमा सन। हानी बिन उरवा की दूसरी हवेली दे विच मुस्लिम तशरीफ फरमा, इमाम मुस्लिम ने दसिया कि 3000 रुपया लैके आए, बसरी गुलाम है ते अकीदतमंद है, इहदा हदिया कबूल फरमाओ ते इहनू बैत करो। इमाम मुस्लिम ने बैत किया, चुनाचे उन्हें आख्या जी मेरा इत्थे एक रिश्तेदार है, मैं रात उत्थे जाके रवांगा ते सुबह जल्दी मैं आ जावांगा। उन्हें इंज ही करना, 3-4 दिन इमाम मुस्लिम बिन अकील दियां सरगर्मियां तो पहले आना ते सब तो अखीर ते बाद च निकलना बाहर। दो दिन ऐसे बीते कि वह गुलाम ना आया। हजरत हानी बिन उरवा नूं सुझ गई कि यह गुलाम नहीं, ये तो साडा दुश्मन है। चुनाचे परेशानी दे आलम दे अंदर आपने सोचा कि मैं उन मुस्लिम बिन अकील नूं अपने हवेली विचों किसी होर पासे मुंतकिल करा। हुण वह बाबा जी नूं इबने ज़ियाद एक दिन दी कूफे तो मुसाफत किसी जगह से ठहरा के आया सी कि 3-4 दिन ठहर के आना कूफे। शरीक बिन आवर उहदा भी पैगाम आ गया हजरत हानी नूं, ये सोच देने पे कि मैं मुस्लिम नूं किथे मुंतकिल करा। हानी नूं पैगाम आया शरीक बिन आवर दा कि मैं बीमार हाँ ते मैनूं आके मिल ही जा। वो मिलन वास्ते आए, शरीक आखन लगे कि मेरे घर अयादत वास्ते इबने ज़ियाद आ रहे हैं, इंज करो मुस्लिम बिन अकील नूं तुसी अपनी हवेली भी चुक कड्डो ते मेरे घर भेज दो, क्योंकि तुहाडी हवेली हुण महफूज मकाम नहीं रहा, मेरे घर भेज दो। ठीक है, हजरत हानी इमाम मुस्लिम बिन अकील नूं लैके शरीक दे घर आ गए। शरीक आखन लगे कि ए मुस्लिम बेशक इत्थे इबने ज़ियाद ने आना है मगर तुसी महफूज रहोगे। अगली गल ए वे कि मैं एक मनसूबा सोचा तुसा उंज करना है। आपने फरमाया कि आखन लगा कि इबने ज़ियाद बिल्कुल पहुंचने के करीब है, ए पर्दियां दे पिछे तुसी छुप जाओ, मैं मौका मुनासिब जान के मौका ताड़ के लफ्ज बोलांगा कोड वर्ड, मैं आखांगा कि मैनू पानी पिलाओ, उसको नहीं मां मैनू पानी पिलाओ। वो होर किसे नूं इशारा नहीं होवेगा, सिर्फ तुहानू मैं मुखातब करके आखांगा कि मैनू पानी पिलाओ ते तुसी समझ जाना, तुसा फौरन तलवार सौंत के इबने ज़ियाद नूं कतल कर देना। इबने ज़ियाद कतल हो जाएगा ते मैनू इस गल की परवाह नहीं कि मेरे घर कतल हो गए। कल क्यामत वाले दिन मैं मदीने वाले मुस्तफा दे सामने सुरखरू हो जावांगा, हुजूर दे सामने मेरी गवाही दे छड़ना मेरे वास्ते इन्ना ही काफी है।
अजय ए आपने समझाया मुस्लिम बिन अकील मनसूबे तो आगाह किया, इधर दरवाजा खटखटाया गया, इबने ज़ियाद आ गया। इस तो पहला के मुस्लिम बिन अकील अजय शरीक नु कोई जवाब देते है, मैं कत्ल करना है या नहीं करना या मेरा की इरादा है। जवाब देने तो पहला इबने ज़ियाद उन्होंने घर दाखिल हो गया। आप फिर जल्दी परदे पीछे छुप गए। जो छुपे इबने ज़ियाद आके बैठ गया बिस्तर के उत्ते, थोड़ी देर गल्ला बातें करते रहे। शरीक बिन आवर ने वह मनसूबा जरा मुस्लिम बिन अकील को समझाया से आख्या उसको नी मा आ मैन पानी पिलाओ, लेकिन मुस्लिम बिन अकील बाहर ना निकले। दूसरी मरतबा फिर बाबा चिल्लाया उसको नी मा आ मैन पानी पिलाओ, मगर बाहर नहीं निकले। तीसरी मरतबा चीख के बोले आखन लगे उसको नी मा आ मैनू पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको नी वलव का नफी जहाब नफसी, मेरी जान भी इस पानी पीण में जाती है तो जाए मेनू पानी पिलाओ। की मतलब मुस्लिम बिन अकील जल्दी निकल, मेरी भावे जान चली जाए इस कतल के अंदर मेनू ये भी मंजूर है, तुसी जल्दी निकलो इनू कतल करो। लेकिन मुस्लिम बिन अकील बाहर ना निकले। शरीक बिन आवर बड़ा परेशान होया। इबने ज़ियाद के नाल एक गुलाम आया सी, उसका नाम सी मेहरान। वो मामले नु समझ गया फफाहिमा मेहरानुल गदर, वो समझ गया कि ये जिहड़ा बाबा तीन चार बजे चीख के आंदा पिया पानी पिलाओ ते पानी आंदा कोई नहीं, इहदे विच कोई चाल है। उहने फड़िया इबने ज़ियाद नु ते छेती दे नाल लैके बाहर निकलिया। इधर शरीक आखन लगे इबने ज़ियाद मैं तेरे एक बंदे दे बारे गल करनी सी, वसीयत करनी सी। उस ऐसा आऊदो इलाइक मैं बाद चाहवागा, हुण मैं जान दे मेहरान मैं खलोण नहीं दिंदा पिया, मेरा गुलाम आंदा इत्थों निकलो। जिवें बाहर निकले तो मेहरान आखन लगा इबने ज़ियाद तेनू पता है इत्थे की हो रहा जी की हुंदा पिया? मेहरान आखन लगा इबने ज़ियाद इत्थे तेरे कतल का मनसूबा है जिदी तू इयादत करन वास्ते आया ना शरीक बिन आवर, ये तेरा सज्जन नहीं मुहिब्बे अले बैत है, ये तेरे कतल दे विच मुलव्वस है। आखन लगा तबाह हो जाए शरीक बिन आवर, मैं एदे नाल कितना प्यार पे करना ते मैनू कतल पे करवांदा है। इधर वो बाहर निकल गए गुलाम ते इबने ज़ियाद, इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील परदे विचों बाहर चार पाई ते आके बैठ गया शरीक दे कोल। हुण शरीक दी ते मुस्लिम बिन अकील दी गुफ्तगू सुनना ते ध्यान करना कि नबी दे जिहड़े रिश्तेदार ने नबी पाक दी शरीयत उत्ते किन्ना अमल फरमांदे ने। सुनना शरीक बिन आवर आखन लगे आका मुस्लिम मा मना का तखरुजा फतक तुलगो, तुहानू केड़ी चीज ने मजबूर किया कि तुसी कतल नहीं किया, हालांकि मौका भी बड़ा सी, बेहतरीन मौका तुसा अपने हथों गनवा दिता। हजरत जनाबे इमामे मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया मैनू किसे चीज ने मना नहीं किया, ना कोई चीज मना कर सकती है, लेकिन असल गल वे हदीसन बाला गनी रसूलुल्लाह अल्लाह दे रसूल दी हदीस याद आ गई, मैनू नबी पाक दी हदीस याद आ गई। शरीक बिन आवर बुढ़ा बाबा हाथ बन के नजर झुका के बैठ गया, आखन लगा जनाबे वाला मैनू रसूल दा ओ जरूर पैगाम सुनावो, नबी पाक दी मैनू हदीस जरूर सुनाई है। हजरत जनाबे मुस्लिम बिन अकील ने हदीस तिलावत की थी के मक्की मदनी सरकार ने फरमाया अल खैतुल फतह की लायफतुक मुअमिन, फरमाया नबी पाक ने फरमाया धोखा ते ईमान एक जगह दे इकट्ठे नहीं हो सकते, ईमान ते धोखा एक दूजे दी जिद ने, जिथे धोखा होवे ओथे ईमान नहीं हो सकता, जिथे ईमान होवे ओथे धोखा नहीं आ सकता। शरीक बिन आवर मैं मोमिना मेरे सीने में रब ने धोखा रखी कोई
ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਨਾਵਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਕਾ ਮੁਸਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੂਫੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਕਤਲ ਤਖ ਜ਼ਾਲਿਮਨ ਫਾਜਿਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਫਾਜਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਨਾਦਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਬੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਖਾਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆਰਾ ਤਕਬੀਰ ਆਰਾ ਰਿਸਾਲਤ ਆਰਾ ਤਹਕੀਕ ਆਰਾ ਹੈਦਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸ਼ਾਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਬ ਖਾਨੇ ਆ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੰਗ ਜੂ ਲਾਏਗਾ ਚੁਨਾਚੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਨਾਦਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਨਾਦਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਆਕਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਆਵਰ ਆਇਆ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਿਨ ਆਵਰ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦਰਜਨਾ ਬੇਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮਾਕਲ ਜਿਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਤ ਵੀ ਕੀਤੀ 3000 ਦਿਰਹਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਾਨੀ ਬਿਨ ਉਰਵਾ ਸਿਆਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਘਰ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਲਗਾਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੂਫੇ ਦੇ